टेक्निकल ग्रेड यूरिया की जगह प्लाईवुड फैक्ट्रियों में किसानों को मिलने वाले सब्सिडी वाले यूरिया के प्रयोग की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न टीमों ने यमुनानगर में चार स्थानों पर एक साथ रेड की। दोनों प्रकार के यूरिया के मूल्य में 4,000 रुपए प्रति बैग का अंतर है। डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी डॉक्टर मनजीत नयन ने बताया कि पिछले काफी समय से केंद्र और प्रदेश सरकार की टीमें छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के सब्सिडी वाला यूरिया और टेक्निकल ग्रेड यूरिया के रेट में काफी अंतर है, इसीलिए प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक लालच में आकर किसानों को मिलने वाले यूरिया का प्रयोग करते हैं। ऐसी भी सूचना है कि कहीं कहीं टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बैग में सब्सिडी वाला यूरिया भरा जाता है। इसी मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि करेड़ा खुर्द में भी छापेमारी की गई, लेकिन मौके पर सेंटर मालिक नहीं मिला जिसका फोन बंद है। उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच को बुलाया गया, थाना प्रभारी को बताया गया और गोदाम सील किया गया। अभी देखिए, ये पिछले एक महीने पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उनके साथ भेंट हुई थी। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दो टीमें आई हुई है, उनके साथ हमने 4-5 जगह पे भेंट की है। और जहाँ पे टेक्निकल ग्रेड यूरिया के नाम पे सब्सिडाइज यूरिया सेल होता है, उन पे हमने रेड की है तीनों पे। और फिलहाल हम करेड़ा गांव में, हमारा जो एक डीलर है किसान सेवा सेंटर में सुनील कुमार के नाम से, तो उनको हमने काफ़ी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है। तो मैंने अभी किसान ये के नाम सरपंच, गांव के सरपंच है, SHO है और हमारी टीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफ की टीम है, उनके की मौजूदगी में हम इसको सील कर रहे हैं इस शॉप को, और इस पर आगे